क्यों ये क्वेश्चन देखिए, ए क्लासरूम इज 12 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 3 मीटर हाई। हाउ मेनी पुपिल्स शुड इट बी यूज फॉर इफ ईच पुपिल रिक्वायर्ड 5 मीटर क्यूब ऑफ एयर स्पेस। अब यहाँ देख लीजिए, आपका रूम का जो है डायमेंशंस मीटर में दिया हुआ है, और एयर स्पेस जो रिक्वायर्ड है बाय वन पुपिल वो भी मीटर क्यूब में है। तो हम सबसे पहले रूम का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्या रूम, और वही हो जाएगा एयर स्पेस भी। एयर स्पेस, वॉल्यूम ऑफ रूम दैट इज एयर स्पेस, वो होता है लेंथ इनटू, हाँ या ना? तो ये तीनों आपके पास है, तो 12 × 5 × 3 ये हो जाएगा मीटर क्यूब। इसको कभी अभी प्रोडक्ट नहीं निकालेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, रहने देते हैं इसी फॉर्म में। और देखिए, अब जो दिया हुआ है 5 मीटर क्यूब ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड बाय वन पीपुल पुपिल। देखिए, सिंस 5 मीटर क्यूब ऑफ एयर स्पेस इज रिक्वायर्ड बाय वन पुपिल, देयरफॉर 1 मीटर क्यूब ऑफ एयर स्पेस इज रिक्वायर्ड बाय 1/5 पुपिल, एंड देयर फोर कितना, इतना मीटर क्यूब, यानी 12 × 5 × 3 मीटर क्यूब एयर स्पेस इज रिक्वायर्ड, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/5 मीटर क्यूब इंटू 12 × 5 × 3 मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ये हो जाएगा कितना, 12 × 3 = 36 पुपिल को उस रूम में रखा जा सकता है। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर।